वेलकम टू CCTV नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा, जिसके अंदर में आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है। इसके अंदर में 5 वोल्ट का अडेप्टर लगता है और इनबिल्ट SD कार्ड है इसके अंदर में। आप इसके अंदर में 64 GB तक का SD कार्ड सपोर्ट करता है ये। सबसे अच्छी बात और ख़ास बात यह है कि नॉर्मल CCTV IP कैमरास के अंदर में आप ऑडियो को हुए कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर में आप कर सकते हैं ऐप के थ्रू इसकी। और इसके अंदर में आप अगर कुछ अपने फ़ोन से कुछ बोलते हैं, मैसेज देते हैं, तो इसके अंदर में वो साउंड आएगा, और अगर इसमें फिर रिप्लाई करेंगे तो मोबाइल में साउंड जाएगा। तो इसके अंदर में इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है और स्पीकर भी लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा डिसेंट कैमरा है ये, और आपको ये अमेज़ॉन पे 1399 रुपये का इसका MRP चल रहा है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा आपको, और आप वहाँ से जा कर के बाय कर सकते हैं। इसके बॉक्स के अंदर में आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन किया गया है। ये इस तरह का यूज़र मैनुअल आपको मिलता है, और साथ में आपको मिलता है स्क्रू ड्राइवर, जो आप इसको वॉल हैंग कर सकते हैं। इसका जो पीछे का पोर्शन है, इसके अंदर आपको एक छोटा सा प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये इस तरह का आपको मिलेगा। इसको आपको वॉल पे हैंग कर देना है, और इसको इस तरह से लगा के और इसको कैमरे में पीछे लगा देना है, तो ये वॉल पे बहुत अच्छी तरह से लग जाता है अगर आप चाहते हैं। और अगर आप इसको टेबल टॉप रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से टेबल टॉप भी रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इसको पावर अप कैसे करना है। इसका जो 5 वोल्ट का अडैप्टर है, इसको हमको इंसर्ट करना है पावर सोर्स में। पावर सोर्स में इंसर्ट करने के बाद में इसके 5 वोल्ट DC जो पोर्ट है इसका, माइक्रो USB इसके अंदर में इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर में इस तरह से, ये कुछ चाइना बेस्ड है अभी, तो इसलिए चाइना के अंदर की जो आवाज़ है इसकी जो अंदर वो आ रही है। अभी स्टार्ट हुआ, इसको पावर अप मिला है। अब ये एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेगा और फिर कनेक्ट होने के लिए बोलेगा। ये टेस्टिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं अपने आप घूम रहा है ये 180 डिग्री डायरेक्शन के अंदर में ये टिल्ट और मूव कर सकता है। तो इस तरह से ये अपनी पोजीशन पे आ गया है, डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है उसके अंदर आ चुका है ये अपनी। अब हमको सिंपली क्या करना है कि अपने टैब में, अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, और आप चाहें तो आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, और चाहें तो आप अपने स्मार्ट TV के साथ भी, जो मेरा ऊपर वॉल पे लगा हुआ है। अगर आपको TV के बारे में कुछ जानना है, स्मार्ट TV कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, तो उसके लिए मैंने और वीडियोज़ बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं कार्ड में दे दूँगा ऊपर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने टैब के ऊपर में। टैब या एंड्रॉयड कोई भी डिवाइस हो सकता है आपका, या आपका आईफोन भी हो सकता है, उसके अंदर भी V380 एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है। आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो वो कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टैब में कि किस तरह से अपन को इसकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, तो V380 आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में लिखना है, या आईफोन का जो आपका डिवाइस है उसमें। तो आपको इस तरह का ऐप दिखाई देगा। इसके अंदर में आपको करना क्या, सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना। ये ब्लू कलर का आइकन आ रहा है इसका, ऐप का, ये आप देख सकते हैं। तो आपको ये स्टार्ट हो गया है डाउनलोड, अभी स्टार्ट हो जाएगा ये, और ये हो गया है, और अभी पूरा हो रहा है कम्प्लीट। इसको होने के बाद में स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइस को आपको किस तरह से चालू करना है। कैमरे को मैंने पावर अप दे रखा है, कैमरे को पावर मिल रहा है, बराबर स्टार्ट है वो। अभी ऐप इंस्टॉल हो गया है, ओपन पर क्लिक कर देंगे, और अब आप उनको इसके अंदर में आप चाहते हैं तो लोकल लॉगिन, अगर आपको वाईफाई पे सिंपली इसको देखना है, आप नहीं चाहते कि मैं इंटरनेट पे इसको देखूं, तो आप इसको बिना इंटरनेट के सिर्फ अपने वाईफाई पे ही देख सकते हैं। अच्छा, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको किसी भी तरीके की राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कैमरे में इनबिल्ट एक्सेस पॉइंट है, जो कि आप डायरेक्ट अपने मोबाइल टैब को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली कनेक्ट करके देखते हैं। लोकल लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, इसमें इसको अलाउ जो देना है वो दे देते हैं अपने, और लैंग्वेज अपने सेलेक्ट कर ली, जो भी आपकी लैंग्वेज है, एशिया है तो एशिया कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप इसे एक बार जा करके चेक कर लेते हैं।
ठीक है, उसकी डिवाइस अपग्रेड में देख लेते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो बैक कर देता हूँ। हमको सिंपली क्या करना है कि वाईफाई जो आपका है उसमें आपको जाना है, इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से वाईफाई डिवाइसेज आपको शो कर रहे हैं। तो जैसे कि ये लिखा हुआ रहा है MV3575968, ये इसका एक्सेस पॉइंट का नाम है, तो इसको अपन को सिंपली कनेक्ट कर देना है। आप इसको कनेक्ट कर देंगे, हो सकता है कि आपके पास में जब ये डिवाइस आए तो ये प्री कॉन्फ़िगर्ड आए, पहले से कॉन्फ़िगर हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पीछे एक रीसेट का बटन दिया हुआ है, इस रीसेट के बटन को प्रेस करके रखना है और ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इसको ये ऑटोमेटिक इसमें साउंड आएगा और ये रीसेट हो जाएगा, फिर इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये रीसेट हो जाएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में रीसेट होने के बाद में एक बार फिर से वन टाइम टैप करके रीसेट करना है और छोड़ देना है, ये शॉर्ट टैप करना है आपको, फिर ये एक्सेस पॉइंट मोड में आ जाएगा। तो ये कनेक्ट हो गया है अपना वाईफाई, आप देख सकते हैं। जैसे अब हमको सिंपली ऐप में जाना है, वापस एक बार क्विट कर देता हूँ, वापस ओपन करता हूँ ऐप को। ओपन करने बाद में लोकल लॉगिन, इसमें अपने करेंगे प्लस के साइन पे क्लिक, ऐड नेटवर्क डिवाइसेस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लीज एंटर डिवाइस आईडी, तो एंटर डिवाइस आईडी देखने के लिए आपको इस तरह का जो बॉक्स आता है इसका, इस पर आपको इसका जो ये QR कोड लगा हुआ है इसको आप स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, और आप इसको QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। QR कोड को लिखते ही इस तरह का QR कोड जो मेरा आ गया है, और मैं इसको बॉक्स में आगे में आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप स्कैन करेंगे तो QR कोड आ जाएगा, सपोज कीजिए जैसे अभी नहीं आया, नो QR कोड लिखा हुआ आ गया, एरर आ गई, तो आपको बॉक्स पे आप अच्छी तरह बॉक्स को देखिएगा ऊपर नीचे, तो आपको यहाँ पे इस तरह का कोड लिखा हुआ है, इसका इसका जो कोड है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसी कोड को आपको जो ये कोड है इसी को आपको मेंशन कर देना है, तो 3575968 6, ये इसका कोड है, ये मैंने एंटर कर दिया है और मैं इसको कंफर्म ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया है। ठीक है, और इसको वापस एडिट कर देता हूँ। ये पासवर्ड पूछ रहा है, कोई पासवर्ड है इसका, तो मैं देख लेता हूँ, मैंने लास्ट टाइम इसको कॉन्फिगर करने की कोशिश किया था और शायद मैंने पासवर्ड इनपुट किया था, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या कोई पासवर्ड है कि नहीं है। यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग, ये रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सपोज कीजिए आप अपने इसका पासवर्ड भी भूल गए हैं, कि मुझे भी याद नहीं है, मैं इसको जो मैंने इसको पासवर्ड दिया था मुझे याद आ रहा है कि मैंने CCTV @1234 ये पासवर्ड दिया था, और फिर एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, मे बी admin@1234, ये राखी कंफर्म करके देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, नहीं ये भी नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, कि सिंपली मैंने आपको जैसे बताया था उसको रीसेट करना है, तो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इस बटन को मैंने लॉन्ग प्रेस कर दिया है। अभी बोल रहा है कि रीसेट हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब ये है इसका साउंड का। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है, और वापिस टैब में जाके देखें और अपने वाईफाई को चेक करें, आपको इसका जब तक वाईफाई नहीं आ जाता जब तक आप उसका वेट करें। लॉन्ग लॉन्ग टैब के बाद में शॉर्ट टैब कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि आप ये इसका एक्सेस पॉइंट वापस आ गया है। अब इसके अंदर में कोई पासवर्ड नहीं होगा क्योंकि उसको अपने
रीसेट कर दिया है। तो कनेक्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और जो उसका एपी आएगा वो आएगा 192.168.1.20। ये देखें, इस पर मैं कर देता हूँ, ये जो 11 है, ठीक है, ये 20 इसका आ रहा है, 11 ये उसका खुद का बता रहा है। तो एक्सेस पॉइंट का 11 आईपी है, अपन को असाइन किया है आईपी 1.20 का। तो अपन वापस जाते हैं ऐप में, सब कुछ क्लोज कर देता हूँ एक बार, वापस से एक बार ऐप खोलते हैं फ्रेश तरीके से। ऐप खोलने के बाद में आप देख सकते हैं, लोकल लॉगिन पे क्लिक करेंगे और वापस एडिट पे क्लिक कर देंगे इसके अंदर में, और पासवर्ड कुछ भी नहीं डालेंगे अपने इसमें, और कंफर्म कर देंगे। लैन ऑनलाइन आ गया है, आप देखेंगे जो ब्लैक स्क्रीन आ रही है उसके कोने में लैन ऑनलाइन लिखा हुआ है। जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पर तो ये चालू हो जाएगा। बैक कर देता हूँ उसको, रिफ्रेश, ये ऑन करते ही करंट डिवाइस इज डन नॉट हैव पासवर्ड, सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। तो मैं वापस न्यू पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ, एडमिन है तो पासवर्ड मैं एडमिन ही दे रहा हूँ उसको, पासवर्ड ही एडमिन, वापस दोनों ने सेट कर दिया और कन्फर्म कर दिया। पासवर्ड लेंथ डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो बोल रहा है कि आपकी पूरी नहीं है। तो मैंने एडमिन तो लिखा ही हुआ है, तो 1 2 3 ये और ऐड कर देता हूँ, 1 2 3 कन्फर्म कर देता हूँ, पासवर्ड सेव हो गया है पूरी तरह से। और मैं इसको चालू करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिस्प्ले इसका चालू हो गया है। अच्छा, अब आप उनको देखना है इसको मूवमेंट करके, तो पीटीजेड का जो ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया, ये आप देख पा रहे हैं कि ये रूम के अंदर में थोड़े लाइट का इशू है। बैक साइड में आप देख सकते हैं कि मेरी ट्यूबलाइट जल रही है, तो उसके कारण में इसका जो पिक्चर की क्वालिटी है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। अगर ये अपोजिट साइड में होगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा इसमें। तो आप चाहते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव हो जाएगा पूरी तरीके से। ये देखिए आप यहाँ पे जो ये पिक्चर की क्वालिटी आई है बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। ये देखिए आप, ये पूरी तरीके से मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, ऊपर देखिए आप, ऊपर तक दिखा रहा है पूरा, और नीचे ऑफिस आप देख सकते हैं नीचे तक दिखा देगा ये, और इस तरीके से ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शनलिटी, अगर आप चाहते हैं इसको वाईफाई के थ्रू यूज़ करना, मैंने कोई केबल कनेक्ट नहीं कर रखा है आप देख सकते हैं, तो डायरेक्टली सिंपली ये टैब में दिख रहा है बिना किसी एक्सेस पॉइंट के। कोई राउटर यूज नहीं लिया है, मेरे घर का भी वाईफाई है जो, उसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं लिया है, और डायरेक्टली ये कैमरे से वाईफाई ऐप में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको